और चलिए जानकारी बुरहानपुर की भी ले लेते हैं। सहयोगी गोपाल देवकर लाइव बने हुए हैं। गोपाल, आपसे जानना चाहेंगे बुरहानपुर में क्या तैयारियां हैं, स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अब अपने नियम को, अपनी ड्यूटी को निभाएगा आगे? जी, बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से बुरहानपुर में तैयारियों को लेकर के देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सभी कर्मचारी तैनात हैं, लोग अपने अपने चेयर पर बैठे हुए हैं कि जिस तरह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही प्रारंभ होगा सभी का जो है वैक्सीनेशन होगा। और यहाँ जिस तरह से बुरहानपुर में देखा जा रहा है कि 122 सेंटर बनाए गए। हम जिस सेंटर पर खड़े हैं ये राजस्थानी भवन है, जहाँ पिंक सेंटर बनाया गया जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बुरहानपुर में 122 सेंटर पर आज जो 22,500 वैक्सीन लगाए जाने का लक्ष्य रखाया गया है और अगले 7 दिनों में भी जो है 3 जुलाई तक ये जारी रहेगा महाअभियान, जिसमें लगभग 70,000 वैक्सीन लगाए जाएंगे। यदि हम बात करें अभी तक पिछले जब से वैक्सीन शुरू है लगभग 1,65,650 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं और आगे जिस तरह से और व्यवस्था की जा रही है और यहाँ के जो इंतजाम किए गए हैं महिला बाल विकास अधिकारी और यहाँ के नोडल अधिकारी पिल्ले साहब मौजूद है। सर, किस तरह की व्यवस्था है? जो हमारे बूथ राजस्थानी भवन का मारवाड़ी समाज का, इस बूथ में हम लोग लगभग 450 टीके लगवा रहे हैं, जिसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों तरह के टीके हैं, फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों लग रहे हैं। ये जो हमारा बूथ है, पिंक बूथ हम लोगों ने नाम किया हुआ है, महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था यहाँ की गई है। लेकिन जो भी पुरुष टीकाकरण के लिए आ रहे हैं उनको भी हम लोग टीके लगा रहे हैं, तो महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए है। हालांकि महिलाओं को विशेष प्रावधान हम लोग दे रहे हैं। हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों ने फील्ड में प्रचार प्रसार भी काफ़ी किया हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जो लक्ष्य दिया गया 450 का, उसको हम लोग आज पूरा कर लेंगे। जिस तरह से और यहाँ पर जो राजस्थानी भवन है और मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष है सुनील मुंदड़ा जी, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने यहाँ जुटाई है? हमने यहाँ पर सब मेम्बरों को, आप यहाँ आने वालों को टोकन दे देते हैं, पहले उनको बिठाते हैं और यहाँ उनको पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और टोकन लगाने के बाद कॉफी की व्यवस्था, और सबको महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और जेंट्स को भी लगाए जाएंगे। 450 से 2,000 जो हमारे को मिले हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मिला के हम सबको लगाएंगे आज। जिस तरह से यहाँ पर सभी इंतजाम किए गए हैं, अभी जो है जिस तरह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी लोग यहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर आशा कार्यकर्ता है और यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल तैनात हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ जिला पंचायत सीओ भी यहाँ मौजूद है और चलते हैं सीओ, जिला पंचायत सीओ से बात करते हैं क्या व्यवस्थाओं को लेकर क्या किया है। तो कहीं पे भी, जहाँ पे भी लोग हैं वहाँ लगा। हमारे साथ जिला पंचायत सीओ जुड़ चुकी है। मैडम, किस तरह की व्यवस्था है? पिंक बूथ है ये, सबसे अच्छा कहा जा रहा है। धन्यवाद, आपको लगता है कि अच्छा है, ऐसे हमारे और भी बहुत सारे केंद्र हैं। आज शहर में और पूरे समस्त जिले में करीब 122 ऐसे सेंटर हैं जहां पे हम लोग वॉक इन वैक्सीनेशन की सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी किसी भी केंद्र पर जाकर टीका लगा सकते हैं और आज समस्त जिले में 22,000 टीके लगने हैं। अगला 7 दिन और चलना है करीब 3 जुलाई तक, क्या उसमें कितने लक्ष्य रखा गया मैडम? हम लोग के जिले का पर डे का लक्ष्य अलग अलग है, परंतु ओवरऑल हम लोग को अगले 7-8 दिन में करीब 70,000 से 80,000 टीके यहाँ लगाने हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा था कि काफी भ्रामकता थी, उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किया आप लोगों ने? ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग ने बहुत अग्रेसिवली और बहुत प्रोएक्टिवली लोकल लीडर, धर्मगुरु, प्रेरक एवं ऐसे संस्थानों के साथ जोड़कर प्रचार प्रसार किया है। लोगों को कुछ भ्रमण था कि वैक्सीनेशन लगाने से कोई समस्या उत्पन्न होती है, वो भ्रम हम लोग ने दूर किया। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है देखिए कि जो आगे आने वाली थर्ड वेव है उससे डील करने के लिए यदि हमारे पास एकमात्र कोई ऐसा वेपन है वो है वैक्सीनेशन। तो हम लोग ने ये जानकारी लोगों में फैलाई है कि अगर हमें बुरहानपुर को थर्ड वेव को टालना है, उससे डील करना है, तो ये जिम्मेदारी आपकी और मेरी है और इसीलिए टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से थर्ड वेव से निपटने के लिए अब जो है टीकाकरण एक हथियार है जिसको जिला प्रशासन ने बहुत ही इसका अधिकतम प्रचार किया, जिसके चलते अब ग्रामीण अंचलों तक जो है ये लगातार जारी है और खास तौर पर बुरहानपुर जो है। बिल्कुल गोपाल, बहुत अहम बात कह रहे हैं आपकी, ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण लगातार जारी है और ये एक अहम साधन है कोरोना को।